ठीक है। टोटल 17 चैप्टर हैं, एक बार चाहो तो कोई लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसके कंटेंट का। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने चैप्टर में देखो पहले तो परिचय वगैरह दे रखा है, जैसे कि आंसर राइटिंग के टाइम में हमें चीज़ें देखनी पड़ती, तो इसमें आंसर राइटिंग में भी हमें भूमिका लिखनी होती है, निष्कर्ष निकला होता है, तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर में इस तरह से मेंशन करके दी गई हैं। फिर उसमें माइंड मैप का यूज़ भी है, टेबल्स वगैरह दे रखी हैं, ठीक है, और साथ में डायग्राम का भी यूज़ किया है, और ज़्यादातर पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर दिया गया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हो उसे रेड लाइन से भी दिया गया है, बीच बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसे बोल्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर ही दिखा रहा हूँ, और विचारणी तथ्य वो हैं, मतलब ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें से अगर कोई इंटरव्यू में क्या कोई कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहाँ पे इस पॉइंट को इसमें दिया गया हुआ कि इस बारे में भी आप सोच सकते हो एक बार, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू मेंस दोनों के लिए भी इसे रख के चल सकते हो। तो बस एक चैप्टर का रिव्यू दे रही हूँ मैं। तो ये रही प्रॉपर बुक, पॉइंट वाइज ज़्यादातर दिया गया, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं यूज़ करे गए हैं, कई जगह चीज़ों को हाईलाइट भी किया गया है, जहाँ पे माइंड मैप की ज़रूरत है वहाँ माइंड मैप है, जहाँ डायग्राम दिखाने की ज़रूरत है वहाँ डायग्राम्स हैं। और ये हमारा एक चैप्टर एंड होता है।